हमारी ऊपर स्टैंड सीलर मशीन है FS 400, यानी कि 16 इंच का साइज। इसमें डॉट इंप्रेशन आता है सीलिंग का, और 8mm चौड़ी सीलिंग होती है, यानी कि जो वाइड होती है सीलिंग की वो 8mm में होती है। तो मैं आपको सीलिंग चेक कराता हूँ, सीलिंग कैसे करते हो, सीलिंग का इंप्रेशन कैसे आता है। तो इसमें सेटिंग के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे जाके ना आपको टाइमिंग सेट करनी होती है, यहाँ पे जाके जितनी भी आपके माइक्रोन का पाउच होता है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर लेना। तो मैंने अपनी पाउच के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी सेट करा था 2 पॉइंट पे। तो अब मैं आपको सीलिंग चेक कराता हूँ, सीलिंग कैसे करते हैं, सीलिंग टेम्परेचर कैसे आता है। आपको पाउच में माल भर लेना है मैनुअली, आपको पाउच लगा देना तो सीलिंग आ गई है। फिर भी दूसरे पाउच भी सीलिंग करके दिखाऊंगा आपको, पाउच हट जाएगा बस सीलिंग अपनी जगह से नहीं हट जाएगी। तो दूसरे पाउच में चेक कराऊंगा आपको, डॉट इंप्रेशन है और 8mm चौड़ी सीलिंग आ रही है दोनों साइड से। पाउच पड़ जाएगा तो सीलिंग अपनी जगह से नहीं होती। ये हमारे पास में 16 इंच में, 12 इंच में और 8 इंच में आता है साइज, ठीक है।